असलम दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने हैं किस तरह से हम लोग इफ एंड और का फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो आज की वीडियो इसी पर मैंने बनाया है। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों ने इफ एंड और का फॉर्मूला यूज करना है, आप लोगों ने सेपरेट टेबल पर भी यूज कर सकते हैं और एक टेबल पर भी यूज कर पाएंगे। तो मैंने एक ही टेबल लिया है, इसके अंदर मैंने इफ एंड एंड और का फॉर्मूला यूज किया है। तो मैंने अभी यूज किया है। अगर मैं एक नया टेबल बनाना शुरू कर तो वो काफी टाइम लेगा और वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, तो इसी वजह से मैंने ऑलरेडी तैयार किया। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो फॉर्मूलाज अप्लाई करना हो, तो ये फॉर्मूलाज कहाँ पर पड़े होते हैं, तो आप लोगों ने सिंपली जाना है फॉर्मूलाज के टैब में। इसमें जाने के बाद आप लोगों ने लॉजिकल में आना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास फॉर्मूलाज सारे पड़े हुए हैं, तो मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो ये हम लोगों के पास फॉर्मूले से जो कि पड़े हुए, तो हम लोगों ने इनमें एंड इफ और का फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद हम लोगों के पास एक टेबल है, टेबल जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया है। तो इसमें मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर है, इंग्लिश इस्लामियात है, और उसके ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है। तो यहाँ पर परसेंटेज मैंने सब कुछ निकाला हुआ। इसके बाद मैंने फॉर्मूलाज को यूज करना है, तो आज इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने टेबल बनाना है और उसके बाद इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा या इसे ओपन करूँगा, तो आप लोगों के साथ शो कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला है। जब भी आप लोगों ने फॉर्मूला यूज करना हो तो किस तरह से यूज होगा, आप लोगों ने सिंपली इक्वल लगाना है, इफ लगाना है। इफ इफ के बाद आप लोगों ने इन वैल्यूज को पुट करना है, कौन से पोजीशन पड़े हुए हैं। तो K10 कौन सा वैल्यूज है, यहाँ पर ये वैल्यूज है K10 कौन सा है, ये। तो मैं इन पर अप्लाई कर रहा हूँ परसेंटेज। मैं बता रहा हूँ अगर इतना परसेंट हो, अगर 70% से ग्रेटर हो, तो कौन सा 70% से ग्रेटर हो तो 5 लिख देना। अगर 70% से लेस हो मार्क्स, तो आप लोगों ने फेल लिखना है। आप लोग कोई और भी मेथड यूज कर सकते हैं, फेल की जगह पास की जगह आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये यूज किया क्योंकि मैं मार्कशीट के लिए बना रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने मार्कशीट के मुताबिक वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। तो इन फॉर्मूले को आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ का एड्रेस देना है, कौन सा वीडियोस आप लोगों ने शामिल करना है, अगर आप लोगों ने परसेंट लेना है और अगर आप लोगों ने ऑब्टेंड मार्क्स लेने हैं, तो आप लोगों की अपनी मर्जी, उसके मर्जी के मुताबिक आप लोग यूज कर सकते। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज को इंक्लूड किया, तो परसेंटेज कौन सा नंबर पर, ये के कौन से नंबर पर है, 10 है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो मैंने ये कर, अब ग्रेटर का साइन लगाना है। ग्रेटर का साइन लगाने के बाद आप, मैंने 70 लिख दिया, आप लोग 80 लिख सकते हैं, 65 लिख सकते हो, ये डिपेंड कर रहा है आप पर। उसके बाद आप लोगों ने कॉमा यूज करना है। कॉमा यूज करने के बाद आप लोगों ने डबल कोटेशन यूज करना है। डबल कोटेशन के अंदर आप लोगों ने फास्ट लिखना है, ये मैसेज आप लोगों को शो हो जाएगा जब ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन आप लोग अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद अगर आप लोगों ने दूसरा कंडीशन अप्लाई करना है, क्योंकि ये दो कंडीशन के बीच में आ रहा है, तो आप लोगों ने कॉमा फिर से लगाना है, फिर इफ यूज करना है। यहाँ पर इक्वल आप लोगों ने नहीं लगाना है, सिर्फ इफ यूज करना है। इफ के बाद आप लोगों ने ब्रैकेट्स लगाने हैं स्क्वायर वाले। तो यहाँ पर मैंने फिर इस जीरो को इंट्रोड्यूस करा है, परसेंटेज को मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर 70 लिख दिया। अगर 70 से कम हो, फिर कॉमा, फिर डबल कोटेशन सेमी कॉलम, तो फेल लिख देना, फिर ब्रैकेट्स क्लोज कर दे, और जो ब्रैकेट्स यहाँ पर आप लोगों ने ओपन किया था इसे भी क्लोज कर दे। सिंपली आप लोगों ने इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा। तो इस सबसे पहले मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोगों ने देखना है कि फिर से यही चीजें आएंगी। अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये यहाँ से खींच नीचे की तरफ, देखो सारे उसी तरह से हो गए जिस तरह से पहले थे। तो ये था इफ का फॉर्मूला, आप लोग यूज कर पाएंगे। अब एंड की तरफ चलते हैं, एंड का क्या काम है। तो मैं फॉर्मूला को ओपन करूंगा।
तो यहाँ पर एंड आप लोगों ने जैसे ही फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, आप लोगों के पास मुख्तलिफ बॉक्सेस आ गए क्योंकि मैंने इन बॉक्सेस पर अप्लाई किया। यहाँ पर सिंपली मैंने इक्वल का साइन दे दिया, इफ दे दिया, अब मैं कंडीशंस बता रहा हूँ, एंड कर दिया। एंड करने के बाद मैं बता रहा हूँ D10 अगर ग्रेटर और इक्वल हो कितने के तब 70 के, फिर कॉमा, फिर E10 है, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर 70 है, फिर कॉमा, फिर F10 ग्रेटर इक्वल, अगर इनके इक्वल और ग्रेटर हो तो 70। फिर इसी तरह से मैंने इन पांच बॉक्सेस को लिया हुआ है, फिर इक्वल का साइन, फिर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ तो L10 हम लोगों के पास कहाँ पर आ रहा है, तो मैंने क्या फिर L को इंट्रोड्यूस करवा दिया, L10 में मेरे पास पास आ रहा है। तो अगर कोई पास हो, अगर कोई पास हो तो आप लोगों ने क्या करना है, L10 से उठाना है, और अगर पास ना हो तो मैंने यहाँ पर कंडीशन क्या दे दिया, ब्रैकेट्स, यहाँ पर मैंने कॉमा दे दिया, कॉमा के अंदर L10 लिख लिया, L10 लिखने के बाद फिर से कॉमा, अगर पास हो तो आप लोगों ने यहाँ से पास उठाना है, अगर फेल है तो आप लोगों ने क्या करना है, तो वर्क हार्ड रखना है। अगर इनमें से कोई भी फेल हो, कोई भी पेपर में फेल हो, 70 से कम मार्क्स हो किसी के भी, तो आप लोगों ने वर्क हार्ड लिखना है। तो ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया, सिंपली इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद आप लोगों के पास आएगा पास, क्योंकि इसने यहाँ से उठाया क्योंकि सारे 70 से अबव है। अब इसी तरह से नीचे वाले में देख लेते हैं, कौन 44 यहाँ पर कम है 70 से, तो कौन सा वर्क हार्ड, तो इस तरह से अप्लाई हो रहा है। और तीसरा जो है ना, तीसरे रो में वहाब, ये भी सारे 70 से अबव है। और इसके बाद वर्क हार्ड चौथे नवाब 44 है, ये भी कम है। और तीसरा 23, चौथा 45 है, और 44 है, तो ये कम आ रहे हैं, तो इसके लिए वर्क हार्ड लिख लिया। अब हम लोगों ने एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आप लोग एंड कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे। और चौथे तीसरा और है, और को हम लोग ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप लोगों के पास सेम उसी तरह से बॉक्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंस है। वहाँ पर हम लोग बता रहे थे कि अगर कोई भी मैथ या फिजिक्स में से कोई भी अगर कम हो 70 से, तो इनको वर्क हार्ड लिखो। यहाँ पर हम लोग ये नहीं बता रहे, हम लोग यहाँ पर ये बता रहे अगर कोई 70 से या 50 से अबव हो तो, या लेस हो, अगर एक पेपर में फेल हो रहा फिर भी हम लोग उसे इग्नोर करके पास करवा, तो इसके लिए हम लोग और कंडीशंस यूज करते हैं। तो इसी तरह से इफ इक्वल, इफ ब्रैकेट्स, और फिर ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना, सारे लोकेशंस है डी या से उठाए, ये सारे कंडीशन उसी तरह से अप्लाई हो, D10 लेस इक्वल टू 50, अगर लेस हो यहाँ पर ये कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसके बाद कॉमा, फिर E10 लेस इक्वल टू 50, फिर कॉमा, फिर F10 लेस इक्वल टू 50, फिर कॉमा, फिर G10 आ रहा इक्वल। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन क्लोज कर दिया और कॉमा लगा दिया। यहाँ पर हम लोग अगर लेस है तो हम लोग कौन सा कंडीशन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं और कौन सा कंडीशन शो करवाना चाह, तो हम लोग यहाँ पर नीड अ स्ट्रगल, तो ये डबल कोटेशंस के अंदर आप लोगों ने लिखनी है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने दूसरा कंडीशंस लेना है। अब यहाँ से दूसरा कंडीशंस में ले रहा हूँ, इफ ब्रैकेट्स और फिर ब्रैकेट्स फिर D10 ग्रेटर इक्वल टू 50, अगर ग्रेटर और इक्वल हो 50 के, फिर आप लोगों ने क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर मैंने एक और ले लिया E10, E10 कहाँ पर आ रहा है हम लोगों के पास, ये E है, ये 10 है, तो इस रो में आ रहा है, तो ये मैंने बता दिया क्या हो, E10
ग्रेटर एंड इक्वल टू 50, फिर कॉमा, फिर एफ टेन आ रहा है इसी तरह से, फिर जी टेन आ रहा है, फिर एच टेन आ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट्स को क्लोज करना है और कॉमा लगाना है। तो अगर पेपर मार्क्स कम आ रहे हैं और हम लोग फिर भी उसे पास कर रहे हैं, तो आप लोगों ने एक मैसेज शो करवाना हो कि आप तो पास हो गए, लेकिन आप लोगों ने मेहनत जारी रखना है, कीप इट अप। तो यानी यहाँ पर नीड अ स्ट्रगल, यहाँ पर मैं शो करवाना चाहूँ कीप इट अप, यानी इसी तरह से जारी रखो। आपका मार्क्स ज़्यादा है लेकिन कोशिश करते रहो और भी, ताकि और भी बेहतर हो जाए। तो इस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है और सिंपली आप लोगों ने इंटर करना है। तो इंटर करने के बाद आप लोगों के पास वही आएंगे। तो अगर मैं इसे कीप इट अप, क्योंकि ये सब के सब जो है ना 50 से अबव है, इसके मार्क्स ग्रेटर है, तो यहाँ पर कीप इट अप आ रहा है। इसी तरह से ये 44 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये 50 से कम है, हम लोगों के कंडीशंस पर पूरा नहीं उतर रहा है। तो इस वजह से नीड अ स्ट्रगल, ये हम लोगों ने इस तरह से अप्लाई कर दिया। इसी तरह से कीप इट अप, ये भी 50 से अबव है, ग्रेटर है, तो ये कीप इट अप अच्छा है, बेहतर है और कोशिश करो। लेकिन यहाँ पर नीड अ स्ट्रगल, तो यहाँ पर 44 फिर से आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको एक मैसेज शो करवाना है कि आपने मेहनत जारी रखनी है, आपको मेहनत की सख्त ज़रूरत है। तो इस तरह से इन दोनों में इसमें फिर 23 आ रहा है, नीड अ स्ट्रगल, 44 आ रहा है और 45 आ रहा है। तो ये सब तीन पेपरों में फेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग नीड अ स्ट्रगल, यानी आपको मेहनत की सख्त ज़रूरत है, आपने मेहनत जारी रखनी है। तो इस तरह से हम लोग इफ एंड और का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये लॉजिकल कंडीशन है, आप लोगों ने इस तरह से यूज़ करना है। आप एम्प्लॉयज़ पर भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।